yes, yes, I remember. I love you too. सवात वालों, जहां नवाज शरीफ आपको इतना प्यार करता है, अपनी अपनी अब नारेबाजी नहीं, जहां नवाज शरीफ आपसे इतना प्यार करता है, वहां नवाज शरीफ को आपकी हालत पे तरस भी आता है। यकीन मानो, मैं बड़े प्यार के साथ आपसे ये बात कर रहा हूं, मुझे बड़ा तरस आता है कि आप कैसे शख्स के झांसे में आ गए, उसके जाल में फंस गए आप, जिसने आपसे 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, जिसने 50 लाख घरों का वादा किया था, किया था या नहीं किया था, बोलो। मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, रिकॉर्ड की। यहां जलसे में हजारों लोग बैठे हुए हैं, वो पीछे तक दीवार के साथ भी मुझे नौजवान नजर आते हैं, और यहां भी नौजवान बैठे हुए हैं, बाहर रोड भरा हुआ है, और जलसा पता नहीं अंदर है या जलसा बाहर है, या जलसा फिर वो सामने बिल्डिंग के ऊपर है, वो सामने देखो, वो तो जलसा। अस्सलाम वालेकुम सबको, अस्सलाम वालेकुम। ये नवाज शरीफ है, ये कोई और वजीर आजम नहीं है। नवाज शरीफ हमेशा अपने अवाम के साथ बड़ी प्यार के साथ सलाम अलैकुम करता है। तो भाई मुझे जरा बताओ, अब यहां पे हजारों का मजमा बैठा हुआ है, वादा भाई वादा नहीं, वादा आप वादा खिलाफी कर रहे हैं, कोई नारा नहीं जब तक कि मैं नारा ना लगाऊं। यहां से भी जो नारे लग रहे हैं वो भी खत्म करें, नारा नहीं लगाना है। मफूर साहब बंद करें, मुझे आवाज आई, तो आवाज मेरी नहीं आ रही आपको? वो पीछे बैठे बताएं मेरी आवाज आ रही है। तो मैं ये कह रहा था, कितने यहां पे लोग इतना हाथ खड़ा करके मुझे बताएं कि जिनको बात सुन ले पहले, 50 लाख घरों में से कोई एक घर में लाओ किसी को। ठहर जाओ। जिनको घर मिला है उन 50 लाख घरों में से वो हाथ खड़ा करके बताएं, जिनको घर नहीं मिला वो हाथ खड़ा करें। आओ बताओ भाई, अवाम से झूठे वादे क्यों किए थे, इनको धोखा क्यों दिया था? ये खैबर पख्तूनख्वा के लोग तो बहुत सादे लोग हैं, बड़े सीधे सादे लोग हैं, और बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। इनको धोखा देते हुए आपको शर्म नहीं आई? इनको क्यों धोखा दिया? इनके जज्बात के साथ खेला आपने, इनके जज्बात से खेल के आपसे आपने इनका वोट लिया, और बाद में क्या दिया? ना नौकरी, ना घर, ना रोजगार, ना कोई और। आपने तो पाकिस्तान के अंदर यहां पे कहा था कि मैं 1 बिलियन ट्री की आपने वादा किया था यहां खैबर पख्तूनख्वा में, किया था या नहीं किया था, बोलो। मैं पूरा रास्ता देखता आया हूं कि वो 1 बिलियन ट्री किधर है, मुझे तो कहीं वो 1 बिलियन ट्री नजर नहीं आया। उल्टा ये पहाड़ खुश्क नजर आए हैं। मुझे जरा बताएं, एक मिनट तक सुन ले भाई, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों, ये जो बंदा जो है ना, ये यहां से एक्सपोर्ट हुआ है पंजाब में, यहां से ये बंदा गया है कराची में, यहां से ये बंदा गया है बाकी सूबों में, यहां से ये बंदा इस्लामाबाद में गया है। ये आपको सोचना चाहिए था, एक बंदा नवाज शरीफ अल्लाह के फजल करम से आपकी खिदमत कर रहा था, तो आपने ऐसे बंदे को क्यों आपने जो है वो इजाजत दी जिसने आज पाकिस्तान को उजाड़ दिया है।
आज मुझे ये आप जरा बताएं, आपको बिजली महंगी आपको मिलती है आज? नवाज शरीफ के जमाने में 1,000 का बिल जो जिसको आता था, आज 20,000 का बिल आता है। नवाज शरीफ ठीक कहता है या गलत कहता है, बोलो। तो नवाज शरीफ बुरा था या अच्छा था, बोलो। जब 1,000 का बिल आता था, पहले नवाज शरीफ को आपने निकलने दिया, आप कहते हो नवाज दो। ये तो भाई आपको पहले पिछली बातों का हिसाब देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और देखो आज मेरे जमाने में 10-10 रुपए किलो सब्जी बिकती थी, 10-10 रुपए किलो। आज 100-100, 200-200, 500-500 रुपए किलो बिकती है। ये सच बोलता हूं या झूठ बोलता हूं, बोलो। नवाज शरीफ के जमाने में बिजली सस्ती थी, नवाज शरीफ के जमाने में गैस सस्ती थी, नवाज शरीफ के जमाने में चीनी सस्ती थी, 35 रुपए किलो थी, 35 रुपए किलो। आज कितने की है? 172 रुपए की। कहां 35, कहां 172। नवाज शरीफ बुरा था या अच्छा था, बोलो। तो आप क्यों जाल में फंस गए मुझे जरा बताओ। मैंने भाई एक एक चीज लिखी हुई है, मैंने आपसे पूछना है कि आपने इस सारा काम किया क्यों, आप क्यों उसको लेके आए। अगर 10 साल उनकी सूबे में हुकूमत रही है, 10 साल, अगर 10 साल अगर मुझे मिलते, शहबाज शरीफ को मिलते, या हम में से किसी काम या इसको मिलते जो मेरे पीछे खड़ा है, तो आज जनाब आज ये सूबा पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत सूबा बना होता, ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा। और आज देख ले 10 साल के बाद क्या हालत है आज यहाँ पे। और मैं आपको बताता हूं, अगर 10 साल मुझे गवर्नमेंट मिली होती और मेरी गवर्नमेंट को तोड़ा ना जाता, मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाल ना दिया जाता, और मेरे में खिलाफ झूठे मुकदमे ना बनते, आज अल्लाह ताला के फजल करम से मुझे पूरा यकीन है कि आप में से एक शख्स भी बेरोजगार ना होता, हर एक के पास रोजगार होता, कोई शख्स बेरोजगार ना होता, और कोई शख्स शायद बेघर भी ना होता, और हर शख्स जो है वो इज्जत की रोटी कमाता, उसके घरों में चिराग जलते, रोशनी के चिराग जलते, चूल्हे जलते, बच्चे स्कूल जा रहे होते, और फीसों के पैसे की मसला ना होता, दवाइयों के पैसों के लिए भीख ना मांगना पड़ती, इलाज मुआवजे के लिए अपनी जायदाद ना बेचना पड़ती, गरीबी ना होती, खुशहाली होती। मैं आपसे सच बोल रहा हूं, झूठ बोलने में सवाब नहीं आया आज, मैं सच बोलने आया हूं आपके साथ, और मैं सच बोल रहा हूं आपके साथ। आप एक बंदे की, आप एक जाल में फंसे आप, और नया पाकिस्तान तलाश करते करते तब्दीली की तलाश में आपने पुराना पाकिस्तान भी तबाह बर्बाद कर दिया। बोलो मैं सच बोलता हूं या झूठ बोलता हूं। अगर